मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र यादव ने पटना में कहा कि हर चुनाव से पहले बीजेपी आर्मी पर हमला करवाती है। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस बार कहीं किसी देश पर हमला करवा सकती है बीजेपी। तो आपको बता दें कि गया के बेलागंज से 8 बार विधायक रहे सुरेंद्र यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। सुरेंद्र यादव की दबंग छवि है, वे 2 बार जनता दल और 5 बार आरजेडी से विधायक रह चुके हैं। बेलागंज से वो विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी आर्मी पर हमला करवाती है और इस बार किसी देश पर हमला हो सकता है, पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पर हमला करेगा बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। तो आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव 8 बार के विधायक हैं। गया के बेलागंज से वो चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव और लालू परिवार के काफी करीबी हैं। और आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव जो है वो बिहार के सहकारिता मंत्री रहे हैं और 8 बार से विधायक हैं वो गया के बेलागंज से। 6 बार आरजेडी के टिकट से और 2 बार वो जनता दल के टिकट से चुने गए थे। लालू यादव और तेजस्वी के बेहद करीबी हैं सुरेंद्र यादव, और उन्होंने अब जो बयान दिया है वो विवादित बयान है। सुरेंद्र यादव दबंग छवि के विधायक माने जाते हैं, और जो बयान सामने आया है, आपको बता दें कि इस बयान के बाद विवाद मचना बिहार की सियासत में एक बार फिर से तय माना जा रहा है, क्योंकि बयान ही जिस तरीके का है कि इस पर हंगामा मचना तय है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला। तो सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री हैं बिहार सरकार के, और सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी सेना पर हमले करवाती है और इस बार किसी देश पर हमला हो सकता है। तो लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर कुछ बयान दिया था, और अब एक नया विवाद यहां पर खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनते हैं। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। तो लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तरफ से। अब सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने यहां पर बयान दिया है और कहा है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी सेना पर हमले करवाती है और अब किसी देश पर हमला हो सकता है। तो इस तरह का बयान यहां पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया है। वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, 8 बार विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि वो जनता दल के टिकट से विधायक रह चुके हैं, जबकि 6 बार वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से विधायक हैं। सहकारिता मंत्री के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि वो क्या कुछ बोले हैं उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह पर राजद के आंतरिक संगठनात्मक ढांचे के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत, यह स्वाभाविक है। जिस ढंग से देश के महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जहाँ गैर भाजपा दलों की एकजुटता नेता और नेतृत्व की और नीतियों के बदौलत हुआ था, उसके खिलाफ लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, तो गठबंधन धर्म का पालन न करना यह उद्धृत किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की भावना का अनुपालन नहीं करना, यह तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय था और ये राजद का आंतरिक मामला है। राजद ने इस पर कार्रवाई की है। तो नीरज कुमार ने यहां पर कहा है कि जिस तरीके से सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस दिया गया है, ये होना ही था। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र यादव के उस बयान की जो विवादित बयान माना जा रहा है, और इसी पर बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मृत्युंजय जी, अभी थोड़े दिन पहले बयान आया है सामने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का, आप लोग अभी तक सफाई दे रहे हैं, फिर से एक नया बयान सामने आ गया है, हो क्या गया है आपके मंत्रियों को? क्या बयान आया है आपने सुना है सुरेंद्र यादव का बयान? नहीं, हमने नहीं। ठीक है, आप पहले सुन लीजिए मृत्युंजय जी, आप सुनिए, मैं एक बार फिर से उसको सुनाऊंगा आपको कि क्या उन्होंने कहा है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। मृत्युंजय जी, आपने सुन लिया होगा कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी आर्मी पर हमले करवाती है और इस बार किसी मुल्क पर हमला हो सकता है। मृत्युंजय जी, नहीं देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि अच्छा, भावनात्मक मुद्दे को चुनाव में बीजेपी, असली मुद्दे पर बात नहीं करती। बीजेपी आपने देखा होगा, रोजी रोजगार के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, ये सब, शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात नहीं होती। चुनाव में बीजेपी भावनात्मक मुद्दे, कभी मंदिर मस्जिद, अजान रामायण, ये सब चीजों को ज्यादा हवा देती है। तो माननीय मंत्री जी का कहने का मतलब यही रहा होगा। मृत्युंजय जी, इस बार तो ऐसे मुद्दे आप उठा रहे हैं, जब आप लोग हैं ही बोलने के लिए, तुम कभी रामचरितमानस पे, कभी सेना पे, क्या जरूरत है बोलने की मंत्रियों को? माननीय मंत्री महोदय ने ये बात, बीजेपी का सुखड़ा साफ होगा 24 में, ये बात, असली जो मुद्दे हमारे हैं, जो हमारे नेता कहते हैं पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और पूरा चुनाव ही 2020 में आपने देखा कि हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने रोजगार के मुद्दे पर लड़ा, कोई भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया जनता का, लेकिन हमारे नेता अडिग रहे और उसका परिणाम भी सबके सामने है। तो इसलिए हम तो काम की बात करते, हमारे नेता काम की बात करते, हम जनता के हित की बात करते, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते, किसानों बात करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते। मृत्युंजय जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे मृत्युंजय जी कि आज भी, कल भी अगर बात करें तो संजीव सिंह जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने इस तरह से बात किया है, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने जो बात की है वो गलत बात है, वो जो है सहनशीलता को, हमारी मजबूरी को, हमारी मजबूरी ना समझे, हमें कमजोर ना समझे, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि जो ये बयान आया है सुरेंद्र यादव का, अब इस पे भी हमलावर होंगे और आप लोग एक बार फिर से सफाई देने की मुद्रा में आ जाएंगे? सफाई और हमला, ये सब तो, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं, इसमें हम लोग कहाँ उलझने वाले हैं। हमारे नेता ने तो कह ही दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया। सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया सारी चीजों को लेकर के। इसलिए अब ये सब चीजों पर कहीं कोई बात बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मृत्युंजय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिन चढ़ेगा तो ये मुद्दा भी चढ़ता जाएगा और एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान होना तय है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ पटना रजनीश, उनसे बात करते हैं। रजनीश, इससे पहले हम बात करें रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था, आप कह सकते हैं कि उसकी चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी, उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, कि एक नया बयान यहां पर सुरेंद्र यादव की तरफ से दे दिया गया है, हो क्या गया है या आरजेडी कोटे के मंत्रियों को? देखिए, ये सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, उसके पहले आप याद करें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरीके से बयान दिए, इसको लेकर घमासान मच गया। उसके पहले सुधाकर सिंह का प्रकरण, तो जैसे वो लगातार एक तरीके से खाद जो है उस तरीके का वो दे रहे हैं जर में, तो और अब चिट्ठी जारी हुई है। अब ये सब मामला चल ही रहा था, हालांकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से भी कहा गया कि चलिए मामले इसको रफा दफा करते हैं और यहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके बाद नया मामला जो है वो सामने आ गया और मगध क्षेत्र से जो बाहुबली विधायक और अब बिहार सरकार में मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, और उनके ओर से जो बयान दिया गया है, इसको लेकर राजनीतिक जो जगत है उसमें आप अपनी बात जारी रखिएगा। इस वक्त संजय मयूख हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजय मयूख, उनसे जरा बात कर लेते हैं। संजय मयूख, आपने सुन लिया होगा सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव आता है
तो बीजेपी आर्मी पर हमले करवा देती है और अब जो है किसी मुल्क पर हमले की तैयारी है। ये बयान है बिहार के सहकारिता मंत्री और 8 बार के विधायक रहे सुरेंद्र यादव का। संजय मयूख, देखिए मतलब बिहार के दर्शक देख रहे हैं, देश के दर्शक देख रहे हैं, सबसे लोकप्रिय चैनल पर ये बात चल रही है जी। कैसे मतलब कैसा मजाक है, कैसी धृष्टता है, मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि स्पष्ट है ना, संविधान की शपथ लेते हैं, देश का मजाक उड़ाते हैं, कौन कार्रवाई करेगा। मतलब लगता है असहाय हो गई है सरकार और असहाय हो गए हैं मुख्यमंत्री कि ऐसे ऐसे बयान माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। मंत्री जी संविधान की शपथ लेते हैं और इस तरह के मिथ्या बयान गढ़ते हैं, रचते हैं, विश्व के मानस पटल पर भारत की एक लोकप्रियता, भारत विश्वगुरु बनने की ओर है और ऐसे मिथ्या बयानों को जर के क्या बताना चाहते हैं बिहार की जनता को जी। संजय जी, इससे पहले चंद्रशेखर ने बयान दिया जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, इसके बाद सुरेंद्र यादव का बयान आता है, तो क्या लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये आपके ऊपर हमला हो रहा है? ये छोटे छोटे बयान देकर ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये लोकप्रियता का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, देश का अपमान है जी। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय मयूख वो सीधे कह रहे थे कि ये बयान न केवल मिथ्या है बल्कि ये देश का अपमान किया जा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।